हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें हमने नेचर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो उनके आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं और वो उसका मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में उस एलिमेंट का और उस एलिमेंट के जितने भी सारे आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस और उस मिक्सचर में उसका कंपोजिशन कंट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने ये देखा था कि कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्री आइसोटोप्स, दैट द कार्बन 12 व्हिच एटॉमिक मास इज 12, कार्बन 13 उसका एटॉमिक मास भी बताया था मैंने उस दिन आपको, और कार्बन 14। अब ये तीन आइसोटोप्स उसके प्रेजेंट होते हैं तो नेचुरली ये कितना होता है उसमें, आई थिंक इट इज नियरली, कार्बन 12 को जो लिया था मैंने वो 98.8 के आसपास था, कार्बन 13 जो था सो 1.108 के आसपास था, और कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का परसेंटेज उस मिक्सचर में बहुत कम होता है, दैट इज 2 × 10⁻¹⁰। और उसके एटॉमिक मासेस भी दिए थे और उनका एबंडेंस और एटॉमिक मास इनका प्रोडक्ट, और ये सभी आइसोटोप्स के लिए ये प्रोडक्ट लेकर हमने उसका टोटल कर लिया था और परसेंटेज की भाषा यूज की होगी तो हम उसमें 100 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह अब बाकी और न्यूमेरिकल जो हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स को मैंने पहले इसलिए लिखा हुआ है, सॉल्व करके बताया है कि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। सो यहां पे जो लिखा हुआ, मतलब हम एक ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, यहां लिखा हुआ है कि क्लोरीन ऑकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स, एक होता है उसका क्लोरीन 35 और दूसरा होता है उसका क्लोरीन 37। और अब यहां पे परसेंटेज की भाषा यूज नहीं की गई है, यह कहा है कि इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। अब मैंने यहां मोल की भाषा यूज की है, आप एटम की भाषा यूज कर सकते हो, इसीलिए डिलीबरेटली मैंने यहां पे आप एटम की भाषा यूज करेंगे तो यह यूनिफाइड मास आएगा, मोल की भाषा यूज करेंगे तो यह पर मोल आएगा, पर मोल ग्राम पर मोल आता है, वो क्यों आता है इसकी चर्चा हम मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे। सो यहां पे देखो कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इसका जो एबंडेंस दिया है, इसका जो प्रपोर्शन दिया है 3:1 है। इसकी भाषा तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरीन 35 उसमें 3 पार्ट है और क्लोरीन 37 उसमें 1 पार्ट है, सो टोटल पार्ट हो गए उसके 4, और उस 4 पार्ट में अब 3 मोल्स या 3 एटम्स कहिएगा 35 वाला क्लोरीन है, 1 मोल या 1 एटम कहिएगा तो क्लोरीन 37 प्रेजेंट है। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सो अब ये जो इसका उस मिक्सचर में पार्टिसिपेशन है और उनके जो एटॉमिक मासेस है, क्लोरीन 35 का एबंडेंस और उसका एटॉमिक मास दिया गया है, क्लोरीन 37 का एबंडेंस और उसका एटॉमिक मास दिया गया है, सो इसका हमने 3 × 35 क्योंकि उसका एबंडेंस 3 पार्ट है उस रेशो में और उसका एटॉमिक मास 35 है, क्लोरीन 37 दैट इज द 1 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 37 और टोटल है 3+1, सो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर 35.5 आया है। मैंने यूनिट इसलिए नहीं लिया कि आप यहां नंबर ऑफ एटम्स भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं, एटम्स लिया तो यूनिफाइड मास और मोल्स लिया तो ग्राम पर मोल, ऐसे उसका यूनिट आता है। सो एक न्यूमेरिकल हो गया। अगर आप देखिएगा कि ये 3:1 दिया ही नहीं है आपको, ये दिया ही नहीं है, आप विद द एटॉमिक मासेस 35 एंड 37, सो अब आपको इसमें क्या चाहिए, इसका एबंडेंस चाहिए, एबंडेंस नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे, इसका एबंडेंस कितना आता है, ये क्लोरीन 35 इज 75%, क्लोरीन 35 कितना होता है 75%,
तो नेचुरली आपको 37 मिल गया एंड क्लोरीन 37 विल बी द 25%। अब यहां पे फर्क क्या हो जाएगा कि आप यहां पे 35 × 75 करोगे, यहां पे आप 25 × 37 करोगे और आप इसकी जगह आप 75% इसका आप 100 करके इसका कैलकुलेशन करोगे, आपका कैलकुलेशन उसी तरह से आ जाएगा। चलिए हम दूसरे न्यूमेरिकल के तरफ चलते हैं। सो आपको एबंडेंस या उसका फ्रैक्शन या उसका रेशो कुछ भी देने के बाद उसके एटॉमिक मासेस अगर हमको पता है तो हम उसके एवरेज एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। अब मेरे पास एक और दूसरा न्यूमेरिकल है कि हमारे पास बोरॉन ऑकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोपिक फॉर्म में होता है नेचर। दैट मीन्स इट इज अ इन द नेचुरल बोरॉन इज अ मिक्सचर ऑफ इट्स टू आइसोटोप्स हैविंग द एटॉमिक मास टेन एंड 11 यूनिफाइड मास, ठीक है, यू रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज एबंडेंसेस ऑफ बोरॉन हैविंग द एवरेज एटॉमिक मास equals to 10.8 unified mass, 10.8 unified mass। So इस numerical को अब कैसे solve किया जाएगा? हमारे पास formula क्या था? एवरेज एटॉमिक मास फिर हमने क्या लिया था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइसोटोपिक मास इंटू एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप आइसोटोपिक मास एंड एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस। इस तरह से अब उसको मैंने बना लिया है। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो अब आपको ये नहीं निकालना है,
आपको ये निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं हो पाएगा, तो हमें कोई दूसरी थ्योरेटिकल प्रोसेस ढूंढनी पड़ेगी। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, एबंडेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो हमको पहले एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि हमारे पास बोरॉन 10 है एंड बोरॉन 11, मतलब एक इसका एटॉमिक मास, बोरॉन 10 का एटॉमिक मास, ये 10 यूनिफाइड मास है और इसका एटॉमिक मास ये 11 यूनिफाइड मास है। अब हमें इसका एक्चुअल इन मिक्सचर्स के जो कोई एबंडेंस होगा उनके एटॉमिक मास को जब निकालते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास 10.8 आता है। सो हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये तो जो आइसोटोप्स है, सपोज बोरॉन 10 इज द एटम्स, कहिएगा उसके एटम्स ऑफ बोरॉन 10 इक्वल्स टू एक्स, परसेंटेज की भाषा यूज करेंगे, एंड एटम्स ऑफ बोरॉन 11 आर इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। दैट मींस टोटल एबंडेंस हमने मान लिया था 100 एटम्स ऑफ, सो टोटल एबंडेंस, टोटल एबंडेंस इक्वल्स टू 100 हो गया हमारा। अब ये 100 एटम्स जो है इनके जो मासेस है बोरॉन 10 का 10 इंटू एक्स और बोरॉन 11 का, ये माइनस नहीं है, 100 माइनस एक्स दैट विल बी द 100, और ये 100 मॉलिक्यूल का एवरेज एटॉमिक मास है 10.8। सो हम ये कहें नाउ द मास ऑफ नेचुरल बोरॉन एटम्स इक्वल्स टू 10.8 इंटू 100 हो जाएगा। सो कितना होगा, 1080। ठीक है, हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हुए हैं। अब इनका जो कुछ मास आएगा वो इसके बराबर होगा, 1080 होगा, क्योंकि यही तो एटम टोटल 100 है और इन 100 एटम्स का एवरेज मास है 10.8, तो नेचुरली ये हो गया उसका एवरेज एटॉमिक मास, राइट। अब ये एवरेज एटॉमिक मास जो है इसका 100 मॉलिक्यूल्स का, सो 100 मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूं उसको, हाँ इतना है 1080, ये किसके बराबर है, ये है x एटम्स ऑफ बोरॉन 10 इंटू उसका एटॉमिक मास 10 प्लस बोरॉन 11 के 100 माइनस एक्स इंटू 11, इसके बराबर है। सो इसको कैलकुलेट अगर करें हम तो 1080 इज इक्वल टू 10x माइनस 1100 सॉरी प्लस 1100 माइनस 11x हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये होगा 1080 माइनस 1100 इक्वल्स टू 10x माइनस 1x हो जाएगा, सॉरी 11x। सो अब ये कितना हुआ, 1100 में से आपको 1080 माइनस करने हैं, कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, करो करो जल्दी से, 0 10 माइनस 8 2 कैरीज,
कितने हो गए 20, कितने हो गए ये 1080 माइनस, सो माइनस 20 हो गया इंटू ये माइनस 20 हो गया इक्वल्स टू ये कितना हुआ माइनस 1x। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर एबंडेंस एंड इसका परसेंटेज बोरॉन 10 का हो जाएगा, जो x लिया था हमने वो परसेंटेज हो गया 20, और बोरॉन 11 जो हमने 100 माइनस एक्स लिया था वो हो गया 80%। ठीक, सो ये इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। सो अब इसके न्यूमेरिकल्स आपने बुक्स अगर खरीदे होंगे तो आप बुक्स में से देखिएगा, और इसको हम अब यहां इस वीडियो को रोकते हैं और मोर न्यूमेरिकल के साथ हम बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा, जो दिखा नहीं वो अब आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। सो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सो नेचुरली वी विल स्टे ओवर हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।